हेलो स्टूडेंट्स, हम सोशल चेंज के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था। फर्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा है फर्स्ट यूनिट में, सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। बेसिकली मीनिंग और डेफिनेशंस की हम बात कर रहे थे। इसमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था, जो हमारी डेफिनेशंस थी अकॉर्डिंग टू मैक पेज, अकॉर्डिंग टू डेवर्स, अकॉर्डिंग टू एच एम जॉनसन्स, इनके जो व्यूज़ थे ये अबाउट सोशल चेंज। सोशल चेंज क्या होता है, किसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, कौन सा सिचुएशन है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब जब हमने डेफिनेशंस को अच्छे से स्टडी कर लिया है, तो इन डेफिनेशंस के बेस में हम कह सकते हैं कि जो चेंज होता है, इट इज़ अ ब्रॉड प्रोसीजर, ये एक व्यापक प्रक्रिया होती है और समाज के किसी भी क्षेत्र में विचलन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। इन्होंने कहा है कि इन द सोसाइटी इन एनी एरिया that occurred any change, any ups and down, any add and minus, that is called a social change। इन्हें कहते हैं कि समाज में किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्थिति में जब कोई विचलन या होता है कि कोई भी चेंज हुआ है, कोई भी परिवर्तन हुआ है, कोई भी नई चीज़ जुड़ी है या कोई पुरानी चीज़ हमने छोड़ी है, कोई अप्स हैं, कोई डाउन है, स्थितियों में जो है परिवर्तन आ रहा है, तो उस सिचुएशन को, स्थिति को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। विचलन का अर्थ यहाँ ख़राब या असामाजिक नहीं है। तो जो कह रहे हैं कि विचलन का अर्थ यहाँ पे कोई बैड थिंग, कोई अनसोशल सिचुएशन नहीं है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजन, मॉरल, फिजिकल आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले किसी भी परिवार के किसी भी प्रकार के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। तो उन्होंने कहा इन द सोसाइटी सोशल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, भौतिक किसी भी क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं, सोशल चेंज कह सकते हैं। यह विचलन स्वयं प्रकृति के द्वारा या मानव समाज के द्वारा योजनाबद्ध रूप से आ सकता है। तो जो ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन नेचुरल भी हो सकते हैं, ये परिवर्तन मैनमेड भी हो सकते हैं। आप जैसे प्रेजेंट टाइम आपकी सिचुएशन है ड्यू टू कोरोना वायरस, ऑल वर्ल्ड आर हैव अ लॉट्स ऑफ चेंजेस। हमारा जीवन देखिए कितना बदल गया है। आज हम बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर, लोगों से फिजिकल डिस्टेंस, ये सब हमें बना के रखने हैं। हमें जगह जगह बताया जाता है, हमें कि भी अपने हाथों को आप बार बार धोइए, मास्क पहनिए, किसी के कांटेक्ट में जो है फिजिकली कांटेक्ट यानी कि शारीरिक दूरी, किसी से जैसे हम हाथ मिल रहे हैं, गले मिला रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इन चीज़ों से आप बचिए। किसी भी वस्तु को छूने के बाद, चीज़ों को छूने के बाद आप हैंड वॉश कीजिए, ठीक है। आप अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए जो बेसिक ये नेसेसरी हमारी सिक्योरिटीज़ हैं, जो ये स्टेप्स कह लीजिए, इन्हें ले लीजिए, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। और जब तो कोरोना वायरस नहीं था, यानी कि बिफोर 1 ईयर, हमारी लाइफ कितनी ईजी थी, ठीक है। हमें मास्क का यूज़ नहीं कर रहे, बाल की भी भाई अननेसेसरी जो एक भय है हमारे डर में, माइंड में, वो हमें नहीं था। आज देख रहे हैं चारों तरफ कितने लोग इससे जो ग्रसित हो रहे हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, कि एक लाइलाज बीमारी जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। इट इज़ अ मैन मेड सिचुएशन, यानी कितना परिवर्तन ला दिया। तो ये भी क्या है, ये भी सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा, सोशल चेंज कहा जाएगा। एक यहाँ पे नेचुरल चेंज का एग्जाम्पल दिया गया है, यानी कि प्राकृतिक परिवर्तन का। प्राकृतिक परिवर्तन कौन से होते हैं, प्राकृतिक परिवर्तन भाई कहीं पे, हालांकि कोई प्राकृतिक परिवर्तन कहीं अर्थक्वेक आ गया है, फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई है, कारण के पीछे कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही हैं, लेकिन इन्हें हम नेचुरल चेंजेस कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर इन्हें कहा जाता है, प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। तो किसी स्थान पे कोई भूकंप आ गया, भूकंप आने से पहले की जो सिचुएशन थी और आने के बाद की सिचुएशन, ऑल आर डिफरेंट। सब क्या होगी, डिफरेंट होंगी, एक दूसरे से अलग होगी। तो ये भी क्या है, ये भी चेंज है, कॉल इट सोशल चेंज, इसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा। और ये क्या है, ये प्राकृतिक परिवर्तन है, नेचुरल चेंज है। परिवर्तन या तो समाज के समस्त ढांचे में आ सकता है अथवा समाज के किसी विशेष पक्ष तक ही सीमित हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो चेंजेस होते हैं वो टाइम टू टाइम डिफरेंट हो सकते हैं, कभी कभी ये चेंजेस ऑल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी को इफेक्ट कर सकते हैं, और कभी कभी सोसाइटी के किसी एक स्पेशल एस्पेक्ट तक ही लिमिटेड हो सकता है। यानी कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो सब जगह आपको देखने को मिलेंगे, समाज के सभी हिस्सों में देखने को मिलेंगे, सभी भागों में, सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। कुछ परिवर्तन ऐसे हो सकते हैं कि वो परिवर्तन केवल किसी एक विशेष
क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं। अब जैसे कोरोना वायरस का जो चेंजेस है, इसने क्या किया है, इसने समाज के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन ला दिया है और फील्ड्स में इसने चेंजेस ला दिए हैं। लेकिन भूकंप आया है तो भूकंप जिस क्षेत्र में आएगा वो केवल उसी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, दूसरे क्षेत्र को उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। परिवर्तन एक सर्वकालिक घटना है, यूनिवर्सल जो इवेंट है ये, और ये किसी ना किसी रूप में हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है और कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसके जो फॉर्म्स हैं वो चेंजेस हो सकते हैं, इसका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन बिना परिवर्तन के कोई समाज नहीं है। ठीक है, इससे पहले भी आपको मैंने बताया था, अगर हम समाज की भारतीय समाज की बात कर लें, आज हम कहाँ हैं और इससे पहले कहाँ थे। अगर हम सबसे पहले इतिहास को उठाते हैं और देखते हैं कि पहले किस तरह से लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसी मेंटेलिटी थी, और आज हम जहाँ हैं, इस दौरान का जो टाइम ऑफ पीरियड रहा है, कितने सारे चेंजेस, लॉट्स ऑफ चेंजेस इन अकर्ड इन इंडियन सोसाइटी और इफेक्ट इन एवरी एरिया, प्रत्येक क्षेत्र को इसने प्रभावित किया है। ठीक है, परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, इस प्रश्न पर समाजशास्त्री अभी तक भी एकमत नहीं है, यानी कि जो चेंजेस हैं वो क्यों और कैसे होते हैं इसके बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो थिंकिंग ऑफ पीपल्स है, जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, समाजशास्त्री रहे हैं, तो इनके जो विचार हैं वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। कोई इसके पीछे अदर रीजन को मानता है, कोई अदर रीजन को रखता है। इसलिए परिवर्तन जैसी महत्वपूर्ण किंतु जटिल प्रक्रिया का अर्थ आज भी विवाद का एक विषय है। तो उन्होंने कहा है कि चेंज इज़ अ इम्पोर्टेंट फैक्ट इन द सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ द सोसाइटी। इतना इम्पोर्टेंट होने के बाद, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होने के बाद भी इसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, ये एक विवादास्पद विषय है जिसके बारे में कोई एक मत हमारे पास आज भी नहीं है। किसी भी समाज में परिवर्तन की क्या गति होगी, यह उस समाज में विद्यमान परिवर्तन के कारण तथा उन कारणों का समाज में सापेक्षिक महत्व क्या है इस पर निर्भर करता है। तो उन्होंने कहा है कि सभी समाजों में परिवर्तन की दर, जैसे ऊपर भी बताया था, परिवर्तन का रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन किस समाज में परिवर्तन की क्या प्रोसीजर होगा, क्या स्टेप होगा, ये उस समाज में जो चेंजेस हो रहे हैं, उस चेंजेस के पीछे जो रीजन्स हैं, उन कारणों का समाज में क्या स्थान है, क्या इम्पोर्टेंस है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से वो समाज को प्रभावित करता है, इन सब चीज़ों की स्थिति जो है इसके ऊपर डिपेंड करती है। उन बेसिकली सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए इसकी प्रमुख विशेषताओं की भी चर्चा, यानी कि इसमें कहा है कि अबाउट ऑफ सोसाइटी सोशल चेंजेस, सामाजिक परिवर्तनों के बारे में एक मत नहीं है, लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग फेजेस में जो चेंज ऑफ द सोसाइटी, सामाजिक परिवर्तन है, वो अलग अलग ही हो सकता है। तो सामाजिक परिवर्तन के सोशल चेंज के फॉर्म को अच्छे से क्लियर करने के लिए इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में भी हमें जान लेना आवश्यक है। बिना सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को जाने हम सामाजिक परिवर्तन को अच्छी प्रकार से नहीं समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो अब हम स्टडी अपनी कंटिन्यूस करेंगे वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जब यहाँ सामाजिक परिवर्तन के बारे में बता दिया गया, इसकी डेफिनेशंस है, तो यही कहा जा सकता है कि समाज की किसी भी स्थिति में, किसी भी वजह से, किसी भी क्षेत्र में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। और सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और मनुष्य के समाज को जो है यह प्रत्येक एस्पेक्ट से, प्रत्येक नज़रिए से प्रभावित करती है। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत हम उन सभी चेंजेस को इंक्लूड कर सकते हैं जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन, उनके जो प्रॉपर रिलेशंस हैं रिलेटेड टू ईच अदर, उससे वो जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में जब भी बात की जाती है तो हम उन सभी सिचुएशंस को जो किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को परिवर्तित करते हैं उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है, सोशल चेंज कहा जाता है। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय।